तृतीया विभक्ति इति पाठ्यते उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्र विषय संस्कृत व्याकरणांश। अध्यापनस्य शीर्षक अस्ति तृतीया विभक्ति सूत्रमस्ति सहयुक्ते अप्रधाने सूत्रस्य द्वितीयरस्ति सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया। सूत्र का भाव है सहार्थक शब्दों साकम सार्थम समम के योग में अप्रधान तृतीया में अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। स्पष्ट है कि सहार्थक शब्दों साकम सार्थम समम के योग में अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अस्ति पुत्रेण सहागतः पिता पुत्र के साथ पिता आए यहां सह है पुत्रेण में तृतीया विभक्ति पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है पुत्रेण सहागतः पिता और यह पुत्रेण क्या है तो अप्रधान है पुत्रेण क्या है अप्रधान तो इस पुत्रेण अर्थात इस अप्रधान के कर्ता के अर्थ में यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई तो तृतीया विभक्ति हो गई।
विधोयिना सहार्थक शब्दों के अभाव में भी तृतीया विभक्ति होती है, इसका प्रमाण यह पाणिनि का सूत्र निर्देश करता है। वृद्धो युनो, वृद्ध शब्द जब युवा शब्द के साथ समस्त होता है तो वृद्ध शब्द ही शेष रह जाता है, युवा शब्द लुप्त हो जाता है। तो युवा युना का अर्थ हो जा सकता है, युना का अर्थ क्या होगा, युवा के साथ, और इसमें सहार्थक शब्दों का अभाव है। उदाहरण अस्ति रामेण सह सीता वनं गतवती, राम के साथ सीता बन गई, तो यहाँ सह अर्थ है कि राम के साथ सीता गई बन गई। तेन सह सह क्रीडति, उसके साथ वह खेलता है, इस तरह से सह के अर्थ में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ तृतीया विभक्ति है तो यहाँ उपपद तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति में भी यहाँ उपपद या तृतीया विभक्ति है। उपपद की चर्चा पूर्व में हो चुकी है कि किसी पद के योग में जो जिस योग प्रयुक्त होता है उसको हम उपपद कहते हैं। उपपद क्या है, किसी पद के योग में जिसका प्रयोग किया जाता है, किसी पद के योग में प्रयुक्त होने वाला ही वह उपपद कहलाता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि सह है, साकल है, सार्थम है, समम है, इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। और यहाँ अप्रधान से पुनः है कि पुत्रेन पुत्र के साथ पिता, तो यहाँ प्रधान करता है और यहाँ अप्रधान करता है, क्या है अप्रधान करता है। तो गमन जो है आगमन, सह आगता सह आगता, आगमन जो क्रिया है उसका संबंध किसके साथ है, उसका संबंध पिता के साथ है, पुत्र के साथ नहीं। क्यों, क्योंकि अप्रधान यहाँ यह क्या है, उत्तेन अप्रधान है, सहयुक्ते अप्रधाने अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, तो पुत्रेन अप्रधान है और यहाँ पिता प्रधान है, तो इसके अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। और प्रधान के अर्थ में सहयुक्ते माने सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। तो यह अप्रधान है और यह अप्रधान गौण है, यह प्रधान अर्थात मुख्य है। तो इसमें आगमन जो क्रिया है उसका संबंध किसके साथ है, अप्रधान के साथ नहीं है, जिसके साथ है यह प्रधान के साथ है, क्रिया का संबंध। और किसके स्वह के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, तो तृतीया विभक्ति, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति,
तो यह उपपद विभक्ति है कि किसी पद अर्थात सह के नियोग में ही प्रयुक्त होती है। पुनः यदि किसी के साथ प्रयुक्त करता एक वचन हो, बहुवचन हो, तो इस स्थिति में क्रिया किसके साथ होगी, वो जो प्रधान करता है उसके मुताबिक क्रिया होगी। जैसे दस दसभि छात्रै सह गच्छति, दस छात्रों के साथ वह जाता है, तो वह जो है प्रधान करता इसके मुताबिक क्रिया होगी, दसभि छात्रै के साथ नहीं।